हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया था कि डिप्रेशन क्या है और डिप्रेशन के क्या मेन साइंस और सिम्टम्स हैं, जिनसे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या वाकई आपको डिप्रेशन है या ये वक्ती परेशानी है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि डिप्रेशन की क्या मेन कॉजेज हो सकते हैं जो कि आपकी डिप्रेशन की वजह बनते हैं। मेनली डिप्रेशन के तीन कॉजेज होते हैं, या तो ये सोशल प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है, या फिर ये जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, या फिर ये आपका जो है फिज़िकल या बायोलॉजिकल रीज़न भी इसकी हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम इन तीनों कॉजेज को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप लोगों को एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो द नंबर वन कॉज कैन बी आ जेनेटिक कॉज। जेनेटिक कॉज का मतलब ये है कि अगर आपके पेरेंट्स में से किसी को डिप्रेशन था तो कभी इम्कान है कि आपको भी लाइफ के किसी ना किसी हिस्से में डिप्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। और अगर ये एक दफ़ा आपको डिप्रेशन हुआ है तो ये भी चांसेस हैं कि आपको लाइफ में दोबारा भी डिप्रेशन हो सकता है। इसके अलावा कुछ स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि वो बच्चे जो कि एक ही जायगोट से जुड़वा पैदा होते हैं उनके अंदर भी डिप्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो आपकी जो पर्सनैलिटी होती है वो भी कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स से ही आप में ट्रांसफ़र हो रही होती है, तो उस हवाले से भी ये देखा गया है कि अगर आपकी पर्सनैलिटी आपके पेरेंट्स से मिलती है तो भी चांसेस है, और अगर वो डिप्रेस थे उनको डिप्रेशन का सामना था तो बहुत से चांसेस हैं कि आपको भी डिप्रेशन का सामना करना पड़ सकता है अपनी लाइफ के अंदर। तो ये एक कॉज होगी। इसके अलावा दो सेकंड कॉज है, दैट कैन बी आ बायोलॉजिकल कॉज। अब बायोलॉजिकल कॉज में देखा जाए तो मेन जो कॉन्सेप्ट आता है वो ब्रेन केमिस्ट्री का आता है, या उन न्यूरोट्रांसमीटर्स का आता है जो कि आपके ब्रेन या आपके मूड्स के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे होते हैं। उनमें आपका डोपामीन, सीरोटोनिन वगैरह शामिल हैं। ये जो ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो कि आपके मूड्स को बेहतर बनाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, और जब ये इनकी आपकी बॉडी के अंदर कमी होती है तो आपको डिप्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा ये देखा गया है कि फीमेल्स के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं उसके स्टार्ट के दौरान भी फीमेल्स के अंदर डिफरेंट इस तरह के डिप्रेसिव थॉट्स आ रही होती हैं, क्योंकि उस टाइम पे फीमेल्स के अंदर डिफरेंट हार्मोनल चेंजेस हो रही होती हैं जो कि किसी ना किसी तरह से आपके डिप्रेशन के हवाले से रिलेटेड होती हैं। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि वो फीमेल्स जो कि प्रेगनेंसी का शिकार होती हैं, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनके अंदर ये देखा गया है कि या तो प्रेगनेंसी से पहले, डिलीवरी से पहले, या फिर डिलीवरी के फौरन बाद भी उनके अंदर ये इस तरह के डिप्रेसिव थाट्स आ रहे होते हैं कि हम मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेगनेंसी के बाद उनको ये होता है कि डिलीवरी के बाद उनको उनके अंदर डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी थाट्स आ रहे होते हैं, तो उनकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो सकती हैं। तो ये डिफरेंट बायोलॉजिकल कॉजेज़ थे जो कि आपके डिप्रेशन की वजह बन सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट सोशल कॉजेज भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है, आपको एग्ज़ाम में फेल हो गए हैं, अगर आपका कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, किसी को डाइवोर्स हो गई है, किसी का किसी अपने प्यारे के साथ रिश्ता टूट गया है, या फिर किसी का कोई प्यारा खो गया है, तो ये भी डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं जो कि आपके डिप्रेशन की वजह बनते हैं। सो दीज वर सम कॉमन कॉजेज जो कि किसी के भी लाइफ के अंदर डिप्रेशन की वजह बनती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि डिप्रेशन के क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं जिनके थ्रू वो इन प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं। सो टिल द नेक्स्ट टाइम हैव अ गुड डे।